हेलो गुड इवनिंग कैसे आप सभी लोग आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज हम मेनली इस लेक्चर के अंदर क्या देखने वाले हैं आपका जो भी थर्ड ईयर का सिलेबस है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली आपके थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट होंगे आठ सब्जेक्ट होंगे ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सेकेंड ईयर में देखा दस सब्जेक्ट थे तो इस बार आपका टोटल एट सब्जेक्ट है जिसमें से आपके सिक्स कंपल्सी सब्जेक्ट और दो इलेक्टिव सब्जेक्ट है ठीक है तो इस बार इतना सब्जेक्ट है नहीं इतना लोड नहीं है आपके ऊपर और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके बुक्स है इस बार बहुत मजा आने वाला है इस बार पढ़ने में सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको सिविल सर्विस एग्जाम एग्जाम्स के अंदर ठीक है जी तो हम बात करते हैं कौन सा होने वाला है तो आपके मेनली जो सब्जेक्ट कोड है ना वो होता है स्टार्ट बी वन हंड्रेड इलेवन से तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो हमने फर्स्ट ईयर में बीपीएससी वन जीरो वन से स्टार्ट करा था सेकेंड ईयर में हमने बीपीएससी पी एस वन हंड्रेड टेन पर खत्म कर दिया था है ना बीपीएससी पी वन हंड्रेड इलेवन तो किसी ने नहीं पढ़ा भाई सेकेंड ईयर में हो गया आपने बीपीएससी पी वन जीरो इलेवन तो नहीं पढ़ा था ना तो अब तक हम बीपीएससी पी वन हंड्रेड टेन तक की पूरी बुक्स खत्म कर चुके हैं अब थर्ड ईयर में हमारा स्टार्ट होता है बीपीएससी पी वन हंड्रेड इलेवन तो इसको देखने वाले आप तो ये मेनली आपकी जो बुक्स होने वाली है सॉरी बुक होने वाली है इसके अंदर आप पढ़ोगे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलासफी मतलब क्लासिकल क्लासिकल का मतलब मैंने आप सभी को बताया हुआ है पुराने जो हमारे पॉलिटिकल फिलासफर है उनके बारे में हम पढ़ने वाले क्लासिकल मत, का मतलब होता है पुराना ठीक है तो क्लासिकल हम जानने वाले जो हमारे पुराने पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनके बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से वो पॉलिटिकल फिलासफ़र थे तो अगर आप इस बुक के कॉन्टेक्स को देखोगे तो यहाँ पे मेनली आप प्लेटो के बारे में एरिस्टोटिल के बारे में मैकेवलरी के बारे में होबर्स के बारे में और लॉक लॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हो ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच पांच ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी है अब क्या है बहुत इजी है अब आप लोग सोचोगे कि काफ़ी बोरिंग है यार फिलासफर के बारे में पढ़ना उसकी जाननी है नहीं अगर आपने प्लेटो की आइडियोलॉजी समझ ली है ठीक है प्लेटो का एजुकेशन को लेकर क्या व्यू है या उसका जस्टिस को लेकर क्या व्यू है इसके अंदर आपको कुछ ऐसा अलग नहीं मिलने वाला जिससे मैंने आपको मार्क्सिज्म की अप्रोच पढ़ाई थी अब जो काल मार्क्स है उसके लिए फ्रीडम क्या है या उसके लिए जस्टिस क्या है वही उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना इक्वालिटी क्या है उसके लिए उसके लिए क्या है कि उसके लिए फ्रीडम यह है कि जहां पे जो हमारे प्रोलिटरेट है वो वहां पे कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं होना चाहिए उनके साथ वो फ्री होने चाहिए उनकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए उनके लिए वही फ्रीडम है उनके लिए वही इक्वालिटी है उनके लिए वही डेमोक्रेसी है ठीक है वही जो प्रोलेटरेट के डिक्टेटरशिप वाला वहां पे गवर्नमेंट होगा वही उनके लिए क्या है डेमोक्रेसी क्योंकि उसको मेजोरिटी का रूल बोलते हैं ठीक है तो उनके लिए डेमोक्रेसी इक्वालिटी वगैरह वही है तो बेसिक जो है वो उनकी क्या है थ्योरी है तो अगर आपने इनके बेसिक आइडियाज को समझ लिया तो आप अपने आप खुद से बना के भी लिख सकते हो और वही है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तो इस इस बुक के अंदर आपको कुछ नहीं करना बस आपको पांच थिंकर्स के बारे में पढ़ना होगा प्लेटो एडिस्टेल मैकेवलरी होबर्स ठीक है तो ये बीपीएससी वन हंड्रेड इलेवन की कहानी होगी अब आप आगे चलोगे तो आगे आपका होगा बीपीएससी वन हंड्रेड ट्वेल्व अब बीपीएससी वन हंड्रेड ट्वेल्व अब आपने जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से उनके बारे में जान लिया है अब हम थोड़ा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे अब ऐसा नहीं है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसी के अंदर फिलोसफर भरे हुए हैं या उसी के अंदर स्कॉलर्स हैं इंडिया के अंदर नहीं है इंडिया के अंदर भी है तो इंडिया के अंदर हम बीपीएससी वन हंड्रेड ट्वेल्व के अंदर जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन बुक है इसके अंदर हम क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जानेंगे अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर आपने कौटिल्य का नाम सुने होगा सुना है ना तो उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं आप ठीक है तो आप कुछ देख भी सकते हो यहाँ पे तो जैसे ये थिंक थिंकर्स का अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मणिक ब्राह्मणिज्म हो गया सैरामिक इस्लामिक और भक्ति ये सब इस्लामिक इस्लामिक क्या होता है ये सब आपको पता होगा इनकी आइडियोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं और स, ये सरामिक क्या होता है इसके अंदर हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा ठीक है तो ये सब हम बेसिक इनके बारे में आइडिया लेने वाले हैं इन सभी ट्रेडिशन के बारे में मेनली यहाँ पे ट्रेडिशन की बता बताया हुआ है कि प्री कॉलोनियल इंडिया के अंदर कौन कौन सा ट्रेडिशन था मतलब जब इंडिया के उप इंडिया को कॉलोनी नहीं बनाया गया था मतलब ब्रिटिश नहीं आए थे इंडिया के अंदर तो उस टाइम पे कौन कौन से ट्रेडिशन थे इन ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी लेंगे फिर उसके बाद हम अपने पुराने कुछ पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे जैसे वेद व्यास हो गया ठीक है इनका राजधर्मा इसके बारे में बात करेंगे मैन्यू मैन्यू वगैरह हमारे जो मैन्यूस के पहले ऑर्डर की बात करते हैं उसकी उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कोटल्या आपने काफी नाम सुना होगा इनका ठीक है कोटल्या की मनला थ्योरी पढ़ने वाले हैं और जिया अलब्रूनी इसके बारे में जानेंगे अब्दुल फैजल इसके बारे में अबुल फैजल इसके बारे में आपने सुना होगा अक्का महादेवी कबीर कबीर के बारे में आपको काफी कुछ सुनने के लिए अब तक बचपन में पढ़े ना उनके दोहे। तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी लेनी है कि इनकी क्या इतिहास है इनकी फिलॉसफी क्या है ये हम सब जानने वाले हैं तो बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रही हूँ बुक के अंदर है क्या तो बीपीएससी वन के अंदर आपका क्या है कि आप जो हमारे पॉलिटिकल थॉट है मतलब जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में पढ़ने वाले हो ठीक है जहां पे आप पांच थिंकर्स के बारे में पढ़ोगे और फिर आपका बीपीएससी पी वन हंड्रेड ट्वेल्व जिसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट मतलब जो हमारे एंशियंट टाइम पे जो थिंकर्स है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं तो दो बुक का सिलेबस आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने का है अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलता है जो कि है आपका बीपीएससी पी वन हंड्रेड थर्टीन हाँ जी तो इसका नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफी अभी मैंने आपको बताया है कि जो बीपीएससी पी वन हंड्रेड इलेवन है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था क्लासिकल पॉलिटिकल थिंक फिलासफी यहाँ पे हम पढ़ने वाले मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफी आपने पुराने पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में तो जान लिया जैसे लॉ एरिस्टोटेल तो हो गया प्लेटो हो गया जॉन लॉक हो गया ठीक है इन सब के बारे में तो हमने जान लिया लेकिन अब हम कुछ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में स्टडी करेंगे ठीक है थीके? तो इसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन है, इसके अंदर है आपका जीन्स जैकोस रूसो हो गया मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट हो गया अः जीएस मिल के बारे में आपने पढ़ा होगा लिबरलिज्म के अंदर और मार्क्स के, तो के बारे में तो आपको पता ही फर्स्ट ईयर से मार्क्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हम एंड एलेक्जेंडर ठीक है एलेक्सेंड्रा Uh, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेने वाले तो ये दो जो हमारे ब्लॉक होने वाले इसके अंदर आपको कुछ ऐसा नया नहीं मिलने वाला कि अरे ये क्या हो गया इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है इनके बारे में आपको पूरा जानकारी है अगर मैं आपको काल मार्क्स का बोलू ये चैप्टर तो आपको अभी भी आता है अगर आप मेरे को फर्स्ट ईयर से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको ये ब्लॉक तो भाई पूरा आता है इसके अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बट फिर भी यार पढ़ाएंगे हम ठीक है तो ऐसा कुछ नया नहीं मिलने वाला है बहुत मजे आने वाले हैं ठीक है तो इसके अंदर भी आपको किस कितने थिंकर्स के बारे में स्टडी करना है एक दो तीन चार इसके अंदर भी चार और चार उसके अंदर पांच थे आई थिंक पांच तो वही कि तुमको अपना पांच और नौ पांच और चार नौ नौ थिंकर्स के बारे में स्टडी करना होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में ठीक है तो यह हो गया हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट बुक के अंदर हमने कुछ थिंकर्स की बात करी थी लेकिन अब हम थोड़ा मॉडर्न मेडिवल टाइम पे आएंगे वहां पे भी कुछ थिंकर्स थे तो उनकी बात करने वाले हैं ठीक है थीक्या? तो यही बात हम किसके अंदर करेंगे बीपीएससी वन हंड्रेड फोर्टीन के अंदर तो बीपीएससी वन हंड्रेड फोर्टीन कुछ नया नहीं है बस वही है कि इसी का आगे जैसे पूरा वो होता है ना चैप्टर बुक काफी बड़ा हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ उसका पार्ट टू बना देती हूँ तो ऐसी इन्होंने क्या करा है दूसरा बुक बना दिया है जिसके अंदर इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है एक हालो, हालो, हालो। हा, कहां पे तो के थिंकर्स की बात करी थी अब हम थोड़े मॉडर्न जो मॉडर्न हमारे इंडियन पॉलिटिकल उनकी स्टडी करने वाले तो कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं किस किस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे राम मोहन रॉय के बारे में पंडिता रामा स्वामी विवेकानंद एम के गांधी जी मोहन करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी काफी आप जानते हो गए ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो गांधी जी को नहीं जानता बी आर अम्बेडकर रविन्द्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू राम मनोहर लोहिया इसके बारे में आपने अगर आपने इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ी है पोस्ट इंडिपेंडेंट वाली तो पढ़ा होगा इनके बारे में सोशलिस्ट इनकी आइडियोलॉजी एम एन राव और मोहम्मद इकबाल और वी डी सरवाकर तो ये सब हमारे कुछ सिंकर्स होने वाले हैं तो ऐसा एक दो नाम छोड़ के ये लास्ट थोड़ा आप पोस्ट तो, इंडिपेंडेंट थिंकर है जो हमारे इनको छोड़ के वरना आपने सभी के बारे में नाम तो सुना ही होगा अगर आपको इनके आइडियाज के बारे में नहीं पता है इनकी आइडियोलॉजी नहीं पता है इनकी फिलॉसफी नहीं पता है तो नहीं पता है कोई बात नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन नाम तो सबने सुन रखा है ना अरे राम मोहन रॉय का नाम सुन रखा है ना भाई पंडिता रामा भाई का नाम भी सुन रखा होगा स्वामी विवेकानंद का नाम भी सुन रखा होगा तो सबके नाम तो आपने सुन रखा है तो इन्हीं के बारे में हमने इनके आइडियाज जानने वाले हैं और मैं आपको बता रही हूँ ये वाली बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा आपको पीएसआईआर के ऑप्शन के अंदर ही हेल्प करेगा नहीं जो ये वाली बुक है ना आपको जीएस पेपर वन के अंदर भी बहुत हेल्प करेगी अगर आप यूपीएससी ऑपरेशन कर रहे हो तो वहां पे जीएस वन के अंदर सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की फिलासफी बताओ या फिर गांधी जी की या बीआर आर अम्बेडकर की उनको कंपेयर किया जाता है उनकी फिलोसफी को रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी की कर दिया जाता है तो ऐसे ना क्वेश्चन उठ के आता रहता है तो ये आपकी वहाँ पे भी हेल्प करने वाला है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ने का है और बहुत मज़ा तो आने वाला है ठीक है अब हम चलते हैं अभी तक हमने चार सब्जेक्ट की बात करी है तो चार कौन सा पीपीएससी वन इलेवन हमने क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर बात करी थी मतलब पुराने जो है, उनकी बात इसी को करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल जो हमारे वेस्टर्न थिंकर पार्ट टू हमने कहा पे बीपीएससी फोर्टीन के अंदर ठीक uh, है तो चार सब्जेक्ट हमने देख लिया अब हम आगे चलते हैं बीपीएससी वन फोर्टी टू अब बीपीएसई नॉट सी नॉट सी बीपीएससी ई तो वन फोर्टी टू के अंदर आप पढ़ने वाले हो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आज का वर्ल्ड जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मतलब एक से दूसरी जगह पे लोग जा रहे हैं बहुत ज्यादा कनेक्ट है बहुत ज्यादा इंटरडिपेंड है तो इस टाइम पे इंडिया की कैसी फॉरेन पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी मतलब हमारा दूसरे देशों के साथ कैसा रिलेशन है अभी थोड़ा सा ना आई आर के कॉन्टेक्स में चला जाता है तो इतना बोरिंग नहीं होना है फिलोसफी वगैरह पढ़ लिया है और डब्बा बन चुका है दिमाग का तो थोड़ा सा मजे आने वाला है तो इसलिए सब्जेक्ट डाले गए बहुत इंटरेस्टिंग और मजे आएंगे ठीक है तो ये वाला बुक तो बहुत ही मस्त होने वाला है जहाँ पे हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे उसके डिटरमेंट्स जानेंगे प्रिंसिपल्स जानेंगे इंडिया की फॉरन पॉलिसी का और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है मैकेनिज्म है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बनाने में हेल्प कर गया इंडियन फॉरन पॉलिसी यू एस से लेकर कैसी है रशिया के साथ कैसी है हमारी फॉरन पॉलिसी कैसी है उसके साथ रिलेशन कैसा है चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ कैसा है जो हमारे नेबर्स है जैसे म्यांमार हो गया बांग्लादेश हो गया भूटान हो गया नेपाल हो गया पाकिस्तान हो गया चाइना हो गया अफगानिस्तान हो गया इन सबके साथ हमारा रिलेशन कैसा है ठीक है तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इंडिया की मतलब इंडोनेशिया और ये मलेशिया और हमारा ये क्या इसका नाम इंडोनेशिया मलेशिया और जावा वगैरह हो गया सोमालिया वगैरह ये तो इनके साथ कैसे रिलेशन मतलब जो ईस्ट में है ना साउथ ईस्ट एशियन वाले नेशन है तो उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है उसकी बात करेंगे ठीक है इंडिया का सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ कैसा फॉरेन पॉलिसी है उनके उनको देखकर मतलब कैसा पॉलिसी है उनके साथ कैसा रिलेशन है उसके बारे में सेंट्रल एशिया में जो सेंट्रल एशिया नेशन पता है ना ईरान वाले अगर अफगानिस्तान अफ़गा, अफ़गानिस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या बोलते हैं इसको तुर्मेकिस्तान उजबेकिस्तान जितने भी स्थान नेशन है तो ये सब हम इनकी बात करने वाले इसके अंदर फिर अफ्रीका नेशन और लैटिन अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है और सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह वा देखने वाले हैं ठीक है तो काफी मजा आएंगे नए नए देशों के बारे में पढ़ेंगे उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है ये सब जानकारी हम लेने वाले हैं तो ये पूरा आई का पूरा आपका सब यहां से गवर हो जाएगा सब तो नहीं होगा उसके लिए तो आपको अलग से पढ़ने लेकिन काफी मजे आने वाले इसके अंदर तो भाई तो आगे आपका आता है बीपीएसई वन फोर थ्री वो था हमारा बीपीएसई वन फोर टू जहां पर हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी जाना था इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर अब ये है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया अब आपने वर्ल्ड के बारे में बहुत जानकारी ले लिया थोड़ा सा स्टेट की पॉलिटिक्स की भी जानकारी हम ले लेते हैं तो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में आप मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में जानने वाले हो इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट कैसे होता अप्रोचेस कौन कौन सी है और इंडियन uh, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है उनके रिलेशन कैसे है ये फिडवलिज्म के बारे में बात करता है तो ये सब हम इसके अंदर जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है जी तो आगे फिर स्टेट ऑटोनॉमी स्टेट लोकल रिलेशन कैसा है स्टेट डेवलपमेंट मॉडल कौन कौन से माइग्रेशन स्टेट पार्टी सिस्टम ये सब हम स्टडी करने वाले कुछ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में दलित डालित ओबीसी वुमेन लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे तो ये सब हम आप स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है वो कैसी होती है अभी तक आपने यूनियन पॉलिटिक्स के बारे में जाना होगा सेंट्रल पॉलिटिक्स मतलब पूरी एक देश की जो सरकार होती है उसके बारे में जाना है लेकिन हम राज्य की सरकार के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है देन उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है बीपीएससी 143 अब ये है 143 यहाँ पे हम साउथ एशियन नेशन की बात करेंगे जितना भी आपके साउथ एशिया वाले नेशन जैसे अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल 몰디व्स पाकिस्तान श्रीलंका इन सब के बारे में जानकारी लेने वाला है के जो हमारा ये है पाकिस्तान ये यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे थोड़ा इकोनॉमी वगैरह इनके बारे में जानकारी देखेंगे तो ये सब हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं हाँ तो सॉरी यार पता नहीं यार क्या हो रहा है कोई ना कोई आई जा रहा है बिगड़वा रहा है बस वीडियो को बट कोई नहीं चलो हम आगे बात करते हैं कौन सा ये साउथ एशिया वाले पे देश तो यहाँ पे हम मेनली साउथ एशिया रीजन को समझेंगे और यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रोलिज्म और यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है बांग्लादेश का कैसा है श्रीलंका का मालदीव का अफगानिस्तान का भूटान का नेपाल का फिर कुछ इश्यूज देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया रीजनल इंबैलेंस हो गया और माइग्रेशन और डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा इशू है माइग्रेशन यार आए दिन बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद उठता रहता है म्यांमार के साथ रोहिंग्यास को लेकर काफी दिक्कत है हमारा ना इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर काफी दिक्कत है और कुछ कॉन्फिक एंड कॉपरेट

जो कहीं ना कॉपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात करता है तो साउथ हमारा साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है इसके बारे में लिए पूरी जानकारी लेने वाला है मजा आएगा ठीक तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया वाली बुक है आप नेक्स्ट जो आपकी बुक होने वाली है बी पी बीपीएसईन फोर फाइव यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं को नॉर्थ ईस्ट पता है दिक्कत क्या होती है लोगों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग में मेरे साथ भी काफी दिक्कत होती है ये मेरे को कभी याद हुआ इंडिया के पूरे स्टेट का नाम मेरे को इजिली याद हो गया लेकिन ये इनके अंदर कंफ्यूज थे जब मैं इस बुक को पढ़ाऊंगी ना तो मैं आप लोगों को ट्रिक ट्रिक बताऊंगी और उस ट्रिक से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कभी नहीं भूलने वाला आप ये त्रिपुरा कहाँ पे मिजोरम कहां पे मणिपुर कहां, कहां पे तो वो उस साइड को बताने अभी नहीं बताऊंगी ठीक है जी तो इस बुक के अंदर आप भी वही पूरा Uh, थोड़ा सा जूम करते हैं हम किसको नॉर्थ ईस्ट नेशन को स्टेट uh, को सॉरी नेशन नहीं स्टेट्स को वहाँ पे देखने वाले पूरा सोशल कल्चर एथिक प्रोफाइल उस रीजन की इकोनॉमिक प्रोफाइल जानेंगे कि जो नॉर्थ स्टेट्स है इनका प्रोफाइल कैसा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट क्या रहा स्पेशल प्रोविशन फिफ्थ एंड शेड्यूल एटीएम स्टेट आसाम त्रिपुरा ये सब पढ़ाया है ना मैंने सिक्स शेड्यूल पढ़ाया है ना तो वही तो रीजनल डिस्ट्रिक्ट ये हमने पढ़ रखा है माइग्रेशन रिफ्यूजेस और ऑटोनॉमी मूवमेंट बोधो मूवमेंट नागास मूवमेंट पढ़ाया था ना बीपीएससी वन जीरो फोर याद करो जल्दी से तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगा नया कुछ नहीं मिलेगा बता रही हूँ मैं नया नहीं मिलेगा और ये पुरानी बातें होने वाली है इसके अंदर तो पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानकारी लेंगे स्टूडेंट मूवमेंट वूमन मूवमेंट इन्वायरमेंट मूवमेंट ह्यूमन राइट मूवमेंट एंड सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ डेवलपमेंट की बात करेंगे कुछ मूवमेंट्स की बात करेंगे कुछ हम मूवमेंट्स की बात करेंगे और कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वगैरह हम जानकारी लेने वाले मतलब पूरा स्टडी करने वाले नॉर्थ स्टेट्स के बारे में ठीक है तो ये हो गए आपके टोटल एथ सब्जेक्ट जो कि मैं कवर कराने वाली हूँ इनका तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये तो मैं कराने वाली हूँ अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कुछ ऐसा दो इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो रह गया है आ, एक तो वो गांधी आइडियोलॉजी वाला रह गया होगा और एक और भी टाइम मिलेगा तो वो भी मैं करा दूंगी ऐसा नहीं कह सकती कि मैं पक्का कराऊंगी या मैं कराऊंगी नहीं भाई फ्यूचर का कुछ नहीं पता टाइम ना मिले तो मैं झूठे वादे करती नहीं हूँ जो मैं बोलती हूँ कराऊंगी उसे मैं पक्का करा के छोड़ती हूँ और जो मैं नहीं कराती हूँ फिर उसके लिए मैं बोलती ही नहीं हूँ ठीक है तो देखते हैं फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए हम थोड़ा ऐसे रखेंगे फिफ्टी फिफ्टी ठीक है टाइम मिलेगा तो करेंगे नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही बोलना ठीक है तो ये एट ऐसे सब्जेक्ट है जो कि मैं आपको पक्का कराने वाली हूँ तो यही सारे हमारे सब्जेक्ट होने वाले बहुत मजा आने वाला है जिसके अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्लासिकल मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में एशियन नेशन के बारे में स्टडी करने इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन और किसके बारे में जल्दी बताओ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे ठीक है तो बहुत मजे आने वाले तो इस साल का आपका जो सिलेबस है बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा और ये आपको यूपीएससी के अंदर अगर आपका पी एस आई ऑप्शन है तो पेपर वन के अंदर बहुत हेल्प करेगा और इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपका पेपर टू के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है तो थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ने का ही इस बार ऐसे लिनियरिटी नहीं देनी है और इंटरेस्टिंग तो हाई मजे तो आने वाले हैं ऐसा कोई दिक्कत मत लेना कि बहुत बोरिंग है अरे बीपीएससी वन जीरो सॉरी बीपीएससी पी वन जीरो बोल रही हो जो सेकंड ईयर का मैंने इनसे अच्छे से पढ़ा दिया उसमें बोर नहीं हुए तो यहाँ पे क्या बोर होंगे तो हम लोग बीपेक वन जीरो वन के अंदर नहीं हो जहाँ पे सत्रह अप्रोच थी उसके अंदर नहीं तो यहाँ पे क्या यहाँ पे तो मजे आने वाले हैं यहाँ पे एक अप्रोच को बार बार नहीं पढ़ना है यहाँ पे नई नई चीजें मिलेंगी तो मजा आएगा ठीक है थीक्या? तो यही होने वाला है पूरा थर्ड ईयर का सिलेबस अगर आपको कोई दिक्कत है परेशानी है या फिर आपको कोई कोड वगैरह है जो आप चाहते हो कि हाँ मैं कराऊं तो वो बता देने का है और अगर हो पाएगा तो करा दूंगी यार ठीक है तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि पक्का करा दूंगी या नहीं कराऊंगी तो ये सारा आपका सिलेबस होने वाला है सिलेबस याद नहीं कराना था बेसिक आइडिया देना था कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट कोड है होता क्या कि एग्जाम टाइम तक आपको कोड वगैरह याद नहीं होते समझ में नहीं आता सब्जेक्ट कौन सा है तो इस बार थोड़ा सा कोडिंग भी काफ़ी ईजी है याद करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला तो बता दिया बेसिक आइडिया दे दिया सिलेबस के बारे में क्या होने वाला है तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी मैं आपके सिलेबस को स्टार्ट करने वाली हूँ एक आध दिन में और ख़त्म भी हम जल्दी कर देंगे तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ना है इस बार और अच्छे मार्क्स लेकर आना है और अगर आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ गया है फिर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया है तो आप मेरे को टेलीग्राम में ज़रूर टेक्स्ट करके बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया है थोड़ा खुशी मिलेगा यार इतना मेहनत करा है और एट द लास्ट तुम लोग भाग गए पढ़ के और बताया भी नहीं कितना मार्क्स है तो ये तो गलत बात है ना तो मेरे को जरूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेजने का है बताने का है कि आपने इतना स्कोर किया है इतना स्कोर किया, किया बहुत खुशी मिलती है मेरे को बहुत ज़्यादा एट द लास्ट मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों का हेल्प हो आप लोगों को मार्क्स मिले बस ठीक है तो ऐसे ही पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे ऑल द वेरी बेस्ट तो हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड ईयर के सिलेबस में तो वहीं पर हम मिलते हैं तो जब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहना आगे पढ़ते रहना ऑल द वेरी बस बाय टेक केयर